हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज मैं इच्छाधारी नागिन की कहानी लेके आपके बीच आया हूँ। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके मन में होगा, इच्छाधारी नागिन होते हैं? जी हाँ, होते हैं। जो 100 साल जी लेते हैं वो इच्छाधारी हो जाते हैं, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना बदल सकते हैं, इंसान बन सकते हैं, जिस रूप में चाहें उस रूप में वो आ सकते हैं। चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विशाल आए। वो गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी उन्हें उस नाग नागिन के जोड़े में से नाग दिखाई दिया। जब उन्हें दोनों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वो कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना हुआ था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वह उस नाग के साथ रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहां पर मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को डंडे से छेड़ने के बाद उस नाग को पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन वहां पर पहुंची और उसने नाग को मरा हुआ पाया, जिससे वो बहुत दुखी हुई। इस दुख में नागिन उधर उधर भटकने लगी। भटकती हुई एक जंगल में पहुंची, जहां पर बहुत पुराना नाग रहता था। वह उसकी मुलाकात एक बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उसे बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बता दी। उस बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दे दी। इस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वो जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपनी नाग के कातिलों का पता लगा लिया। उसे पता लगा चुका था कि उसके नाग के दोनों दोस्तों में उसने कैसे तड़पा तड़पा के मार डाला, और वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की तान्या का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वह उस शहर में रहने लगी जहाँ वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन तान्या के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों में से एक एक करके अकेले में बदलाव लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि की शादी करने का लिए प्रपोज किया। रवि भी सुंदर तान्या से प्यार करने लगा और इसके बाद तान्या और रवि को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि तान्या से मिलने अकेले झील पर पहुंची। झील पर तान्या ने अपनी असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसके बाद रवि डर गया। उसने रवि को नाग का मौत और बदले लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद दस लिया, जिससे तभी उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने दोस्त को ढूंढने लगा। तान्या ने विशाल को कहा था कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा था, चलो हम दोनों रवि को झील पर जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद तान्या और विशाल रवि को ढूंढने झील की तरफ गए। झील पर पहुंचकर तान्या इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। उसने विशाल को सारी बात बताई और रवि की मौत के बारे में बताया। विशाल ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उनको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नाग को बहरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी के बाद यह कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मानना चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो सकता है। कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे वर्ड आप लिख सकते हैं।